तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ रुपए और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो फिर हम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और पीएम दोनों पर, उसने भी सेंसिटिविटी बढ़ा दी है, वहां पर सुरक्षा बढ़ गई है, मुंबई पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया, गुजरात पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया, और इंडिया पाकिस्तान मैच में खासतौर पर कहा जा रहा है कि 3-लेयर सिक्योरिटी जो है वो अरेंज की जाएगी ताकि परिंदा जो है वो भी पर ना मार पाए। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है, हमने तो खरीद लिया, तुम चाहो तो कितना भी सिक्योर कर लो, नहीं बचा पाओगे। अगर बात करनी है तो इस ईमेल पर, यही उस लेटर में या कहें कि ईमेल में लिखे हुए शब्द हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। ज्यादा सेंसिटिव इसलिए हो गया है क्योंकि पीएम मोदी का जिक्र होता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र होता है, और तब होता है जब कुछ दिनों पहले खालिस्तान आंदोलन वालों चलाने वालों की तरफ से भी ऐसी ही ऑलमोस्ट एक धमकी दी गई। सामने क्रम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त भारतीय शहर हैदराबाद में मौजूद है, लेकिन 14 तारीख को उसने भारत के खिलाफ अहमदाबाद में अपना वर्ल्ड कप का मैच खेलना है। इस मुकाबले की बड़ी हाइप है, टिकट सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन एक नई परेशानी सामने आई है जिसने पूरे भारतीय हुकाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है, और साथ ही साथ साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के प्रेसिडेंट रहने वाले एहसान मानी ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है कि पाकिस्तानी टीम को अब वतन वापस आ जाना चाहिए, और इसकी वजह यह है कि एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम समेत दुनिया क्रिकेट को मिला है, जो कि एक ईमेल के थ्रू भारतीय रियासत गुजरात की पुलिस के ऑफिशियल ईमेल पर आई है। उसमें लिखा गया था कि हमें 500 करोड़ रुपया दिया जाए वरना हम अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड को उड़ा देंगे। आपको बता दो चलें कि इससे पहले भी खालिस्तान तहरीक से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भारत को ये धमकी दी थी कि हम तुम्हें तुम्हारे इस वर्ल्ड कप को कामयाब करने का कोई भी मौका फराहम नहीं करेंगे, बल्कि ये भी लिखा गया था कि हम तुम्हारे ग्राउंड्स और उसके इर्द गिर्द जगहों पर अटैक करेंगे। अब एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को है। एहसान मानी ने तो पाकिस्तानी टीम से मुतालबा भी किया है कि वो वापस आ जाए इस कंडीशन में, जहां पर सिक्योरिटी के इतने थ्रेट्स हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत में नहीं खेलना चाहिए। अब ये फैसला तो हुकाम ने करना है कि इस पर क्या रिएक्शन देंगे, लेकिन इस सारे मामले को भारत के अंदर भी उनका मीडिया भी काफी सीरियस ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को भी इस तरह के ईमेल्स मिले थे जिनकी वजह से एन वक्त पर मैच के दिन टूर कैंसिल करके वापस अपने मुल्क चले गए थे, जो कि एक बड़ा सेटबैक था। और अब इसी तरह के ईमेल्स पुलिस को मिल रहे हैं, इस पर क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पर भारतीय सहाफी क्या सोच रहे हैं आइए आपको उन्हीं की जुबानी बताते हैं। तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ रुपए और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो फिर हम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और पीएम दोनों पर, हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है, हमने तो खरीद लिया, तुम चाहो तो कितना भी सिक्योर कर लो, नहीं बचा पाओगे। अगर बात करनी है तो इस ईमेल पर बात करना। यही उस लेटर में या कहें कि ईमेल में लिखे हुए शब्द हैं जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये लेटर गया है और इस लेटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ईमेल आता है और 500 करोड़ और बिश्नोई की बात की जाती है, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने आपको बताए क्या कुछ कहा गया है। अब इसके बाद दो तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आना, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आपको बता दें कुछ दिनों पहले भी एक खबर आई थी कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसी ने एक व्यक्ति को मैसेज घर पे चिट्ठी गई थी जिसमें लिखा गया था कि तुम मोदी का सपोर्ट करते हो किसान होने के बावजूद, बंद कर दो वरना तुम्हारे साथ, और फिर यह भी कहा गया था कि 50 लाख रुपए भिजवा देना, ऊपर लिखा था लॉरेंस बिश्नोई गंदी सी हैंडराइटिंग में। तब भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों था, अब इस बार भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये आया है, क्यों आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में आया। वैसे ये माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक जमाने में खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख रहे जनरल सिंह भिंडरांवाले का बड़ा समर्थक था। कुछ तस्वीरें भी हैं कॉलेज के डेज की जहां पर निकल कर आती, जहां पर वो पहने हुए। लेकिन उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के तमाम ऐसे इंटरव्यूज निकल कर सामने आए हैं जहां पर उसने कहा है कि अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा, अगर कोई देश के टुकड़े करने की बात करेगा तो उन ताकतों का वो नाश करेगा। और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपना हीरो मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अक्सर कई लोग कहते हैं कि अगर लॉरेंस को ही छूट दे दी जाए तो काफी सारे लोगों को जो देश विरोधी बातें करते हैं वो शांत कर लेगा।
हालांकि लॉरेंस खुद एक अपराधी हैं, वो जेल में हैं। लॉरेंस खुद कहते हैं कि कॉलेज में अपराध शुरू किया था और फिर ऐसे दलदल में फंसा मैं कि वहां से निकल नहीं पाया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की बात हो, सलमान खान को धमकी की बात हो, या तमाम और ऐसे मामले हैं जहां पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया। लेकिन लॉरेंस ने भी बेबाकी से एक्सेप्ट किया और बताया कि उसके पीछे वजह क्या थी कि उनकी तरफ के लोगों को मारा गया और वो चलती रहती लड़ाई। सो इंडिया में फिलहाल लॉरेंस को लेकर दो तरह का स्टैंड है। अपराधी होने के बावजूद एक वर्ग के लिए वो मसीहा है, हीरो है, एक स्टेटस सिंबल है जिससे वो आइडलाइज करते हैं, और दूसरा वर्ग है जो लॉरेंस बिश्नोई को बिल्कुल नापसंद करता है, एक अपराधी के तौर पर मानता है और ये मानता है कि एक ऐसा आदमी जो उसने अपने आप को जेल में रखा है और जेल से ही सारे काम को अंजाम देता है वो भी गलत है, लेकिन उसको हीरो बनाना। और लेकिन अब ये मामला ज्यादा सेंसिटिव हो गया, ज्यादा सेंसिटिव इसलिए हो गया है क्योंकि पीएम मोदी का जिक्र होता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र होता है, और तब होता है जब कुछ दिनों पहले खालिस्तान आंदोलन वालों चलाने वालों की तरफ से भी ऐसी ही ऑलमोस्ट एक धमकी दी गई थी। इस बार लॉरेंस का जिक्र हुआ है। मुंबई पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और ईमेल भेजने वाले पकड़ने की कोशिश कर रही है, गुजरात पुलिस भी कर रही है। इसके अलावा एनआईए जो है वो भी तेज हो गई है, और तो और वानखेड़े स्टेडियम जो है जिसे 5 मैचों की मेजबानी मिली है उसने भी सेंसिटिविटी बढ़ा दी है, वहां पर सुरक्षा बढ़ गई है। मुंबई पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया, गुजरात पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया, और इंडिया पाकिस्तान मैच में खासतौर पर कहा जा रहा है कि 3-लेयर सिक्योरिटी जो है वो अरेंज की जाएगी ताकि परिंदा जो है वो भी पर ना मार पाए। लेकिन फिलहाल कनाडा में जो व्यक्ति है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी तरफ से जो धमकी दी गई थी उसके बाद ये मामला उठा था और सिख फॉर जस्टिस की तरफ से धमकियां निकल कर आई थी। अब पुलिस फिलहाल पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस लेटर के पीछे, इस ईमेल के पीछे कहीं सिख फॉर जस्टिस वालों का तो हाथ नहीं है, क्योंकि वो बाहर बैठे रहते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं और मेल भेजकर ही डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि लॉरेंस के समर्थक कह रहे हैं कि ये केवल एक गीदड़ भक्की है जिसमें कोई लॉरेंस का नाम इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि लॉरेंस से लोग डरते हैं और इस वजह से लेटर डाला गया एक माहौल बदलने के लिए। पुलिस फिलहाल ये भी देख रही है कहीं ये मेल जो है ये ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर पता लगाया जाएगा कि कौन लोग हैं और मेल आया कहां। अब लॉरेंस बिश्नोई की जहां तक बात है तो लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, और लॉरेंस के खिलाफ अलग अलग राज्यों में अगर सारे मामलों को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर 55 मामले हैं। बीते 10 सालों में लॉरेंस बिश्नोई देश की तमाम अदालतों में जेल में बंद है।